भगवान जिंदगी के सबसे मुश्किल युद्ध में सबसे काबिल योद्धा को नहीं भेजते, बल्कि वो मुश्किल से मुश्किल युद्ध में एक कमज़ोर बंदे को फंसा करके उसे एक बहुत बड़ा और काबिल योद्धा बनाते हैं। कुछ इसी तरीके की कहानी है हमारे प्रिंस ऑफ पर्सिया के दास्तान की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रिंस ऑफ पर्सिया के, हमारे प्रिंस के बारे में जिसका नाम है दास्तान। अब जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि प्रिंस केवल एक इंसान है, उसे यूं ही तुम किसी से नहीं लड़ा सकते, तो तुम ये वीडियो देखने के बाद ना बिल्कुल ही दंग रह जाओगे कि ये इंसान होते हुए अपनी कितनी ही पीक लेवल की जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको टच करता है। जहाँ अगर हम इसकी काबिलियत को ऊपर ऊपर से देखें ना, तो तुम इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका पार्कौर कितना शानदार है। ये दीवारों पे भाग सकता है, उन पे चढ़ सकता है, कई मीटर्स लंबी छलांग लगा सकता है, और ना जाने क्या क्या। मतलब इसका जो पार्कौर है ना, वो बहुत ख़तरनाक है, और इसकी फुर्ती भी बहुत लाजवाब है। और अगर दूसरी बात हम देखें तो ये जो है किसी भी तरीके के वेपन को आसानी से चला सकता है, ये मास्टर है सब तरीके के वेपन्स में। अब चाहे वो चाकू हो, डैगर हो, तलवार हो, मेस हो या कुछ और हो, इसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी भी वेपन को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। और प्रिंस ऑफ पर्सिया द टू थ्रोन्स गेम में हमने इसकी ताकत की भी आजमाइश देख ली है, जहाँ ये तलवार मार के दीवारों तक को तोड़ दे रहा था। हाँ, माना वो तलवार जो है कुछ खास थी, बहुत पावरफुल तलवार थी, लेकिन तलवार केवल उसको जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डैमेज दे रही होगी दीवार को, लेकिन उसकी जो ताकत थी, जो उसमें ताकत आ रही थी, वो प्रिंस की थी। अब ये है इसकी ज़िंदगी के छोटे मोटे कारनामे। अब चलते हैं इसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े कारनामों पे। प्रिंस ऑफ पर्सिया द सेंस ऑफ टाइम गेम में हमने देखा है, जब इसके सामने वाले, इसके जो सेना है वो, इसके जो दुश्मन की सेना है वो, जब सब के सब सैंड मॉन्स्टर्स में तब्दील हो जाते हैं, तब भी प्रिंस अपनी हिम्मत नहीं हारता है और पूरी सैंड आर्मी से लड़ते हुए पूरी जो दुनिया है उसे नॉर्मल कर देता है। अच्छा खासा इंसान ऐसी सिचुएशन में हिम्मत हार सकता था, लेकिन प्रिंस ने नहीं हारी और सबको नॉर्मल किया। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंस को भेज दिया जाता है अपने भाई मलिक के पास युद्ध की ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखता है तो मलिक का राज्य ऑलरेडी युद्ध में फंसा हुआ था। प्रिंस वहाँ जाता है, वहाँ पर भी उसे सैंड आर्मी मिलती है, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक। प्रिंस उनसे भी लड़ता है और गेम के एंड में वो इतने बड़े मॉन्स्टर से, जिसके आगे कि प्रिंस लिटरली उसके नाखून के बराबर नहीं था ना, उसे भी बहुत प्यार से मारता है, और वो भी तब जब उसके ऊपर कई सारे छोटे मॉन्स्टर्स, उन्हें वैसे छोटा मॉन्स्टर बोलना उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन जिस मॉन्स्टर से उस वक्त प्रिंस लड़ रहा था उसके आगे वो बहुत ही छोटे थे, उनके साथ साथ वो बड़े मॉन्स्टर को भी वहीं पर ख़त्म कर देता है। और इसके बाद अब आता है असली कारनामा प्रिंस का, जो किया था उसने प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन में, जिस गेम में उसके पीछे पड़ा हुआ था गार्डियन ऑफ टाइम दहाका। जी हाँ, और जिन लोगों को दहाका जो है कमज़ोर लग रहा हो ना, तुम लोगों के लिए बता दूँ, ये अवेंजर्स मूवी में दिखाए गए थैनोस से बराबर की टक्कर ले सकता है, उसको गंदे तरीके से पेल भी सकता है। तो अब तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि दहाका कितना ही ज़्यादा पावरफुल है। और उस गेम में जो है प्रिंस के पीछे बार बार पड़ जा रहा था, लेकिन प्रिंस को इसे मारने का तरीका नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये अमर था, सिवाय एक चीज़ के, जो था पानी। पानी से दहाका को मारा जा सकता था। प्रिंस उसे मारने के चक्कर में अपने पास्ट में जाता है, प्रेजेंट में आता है, मतलब ना जाने क्या क्या हाथ पांव फेंकता है, और फाइनली एंड में वो उसे मारने का एक तरीका ढूंढ ही लेता है, जो होती है वाटर सॉर्ड, और उस वाटर सॉर्ड की मदद से वो दहाका को ख़त्म कर देता है। और जैसे कि उसकी ज़िंदगी में ये सारे झमेले कम थे, तो जब वो इस सब युद्ध के बाद अपने घर लौट के आता है, तो उसे पता लगता है कि उसका जो घर है वो भी अभी एक गद्दार की वजह से युद्ध में फंस चुका है, और उसका राज्य अब वहाँ तबाह हो रहा था। लेकिन प्रिंस उसके बाद भी अपने राज्य में जाता है, और अपने राज्य में जाने के बाद भी उसे एक नई प्रॉब्लम उसके गले पड़ जाती है, वो होती है डार्क प्रिंस। जी हाँ, प्रिंस का डार्क पर्सोना, जो उसके ऊपर बार बार हावी हो जा रहा था। हाँ, वो अपने डार्क पर्सोना में जा कर के और ज़्यादा ताकतवर हो जा रहा था, लेकिन और ज़्यादा गुस्सैल और ज़्यादा खतरनाक भी हो जा रहा था, और अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो रहा था। लेकिन प्रिंस जैसे तैसे अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है। गेम के बीच में वो ट्विन ब्रदर्स से भी लड़ता है, जो कि लिटरली बहुत खतरनाक तरीके से ट्रेंड हो रखे थे, और दोनों के ही पास इतने बड़े बड़े हथियार थे कि प्रिंस को बीच से चीर के रख दें, लेकिन प्रिंस फिर भी उनसे अकेला लड़ता है, और केवल एक डैगर की मदद से। और गेम के एंड तक पहुँचते पहुँचते प्रिंस फाइनली
जो विजीर था गेम का, एंड का जो मेन विलन था, उसे भी मार देता है, जो कि अमर था। लेकिन उसे मारने का एक तरीका था, जो था डैगर ऑफ टाइम, जो कि हमेशा से प्रिंस के हाथ में था। बस उसे पता नहीं था कि इससे अमर लोगों को भी मारा जा सकता है, लेकिन उसे पता लगता है और वो वजीर को मारता है। अब प्रिंस के इतने सारे फीट्स के बीच में तुम्हें एक चीज़ साफ साफ दिख रही होगी, प्रिंस की विल पावर। कुछ तो है जो प्रिंस को कहीं भी रुकने नहीं देता, कुछ तो है जो किसी के आगे हार नहीं मानता, कुछ तो है जब सब जगह से उम्मीद खो जाती है उसके बाद भी उसके अंदर एक उम्मीद की लौ जलती रहती है। उसे ये इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? उसकी ताकत है उसकी विल पावर, जो उसे कहीं पे भी ना रुकने के लिए कहती है, उसे हार मानने की इजाज़त नहीं देती है। प्रिंस के ऊपर एक कोट बहुत ही अच्छे से सेट होता है और वो है, मुझे भेड़ियों के झुंड में फेंक दो और जब तुम मुझसे अगली बार मिलोगे तो तुम देखोगे कि मैं उन भेड़ियों का लीडर हूँ। तो हाँ, प्रिंस को तुम कितनी ही मुश्किलों में छोड़ दो, लेकिन वो वहाँ से बाहर आने का तरीका ढूंढ लेगा, चाहे मुश्किल कितनी भी हो।